तो क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हमारे द्वारा बनाए गए सभी पार्ट को देख ले, आपको क्लास 12 की संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा थ्योरी प्लस एक्सरसाइज का। आप सभी पार्ट को देख करके संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए एक नंबर का जो सवाल है ये कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ फंक्शन, समझ गया ना, R*2R*, एक एक ही आच्छादक है जहां R* सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समूह है। यदि प्रांत R* को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत R* ही दे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो पहले तो देखो फलन लिख लो, फंक्शन क्या आपको दिया है, fx बराबर 1/x, fx बराबर 1/x, और ये जो फलन है ये आर 1/2 चेक करना है, ये 1/1 पहला 1/1 चेक कीजिए। तो मान लीजिए कि लेट x1 x2 R** का क्या है, एलिमेंट है। तो देखिए 1/1 के डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा, fx1 बराबर fx2 होगा जी। वन वन के डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा, fx1 बराबर fx2 लिखा है ना, तो fx1 बराबर क्या होता है fx2। अब देखिए जब fx1 का मान fx2 के बराबर हो तो 1/1 फंक्शन कहता है कि x1 का मान x2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपका LHS पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, RHS पार्ट हो गया। तो अब LHS पार्ट से क्या करोगे, RHS पार्ट को पुराओगे ना जी। तो LHS पार्ट क्या लोगे, fx1 बराबर fx2 लेंगे। ये कहाँ से आया, फलन की परिभाषा से, ये कहाँ से आया, फलन की परिभाषा से। तो बोलो fx1 की जगह हम क्या लिखेंगे, fx2 भी लिख सकते हैं। fx1 की जगह क्या लिखेंगे, x है तब ना, x है जी, जी सर। अगर यहाँ पर 1 देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं होगा, फलन ऐसे ना परिभाषित है। fx1 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, होगा ना, कोना कोनी गुना कर दो, x1 को 1 से गुना करो तो क्या हो गया, x2 को 1 से गुना करो क्या हो गया, x2 हो गया ना। For all x1, x2 belongs to R*, जितने भी एकदम इसके एलिमेंट रहेंगे सभी के लिए ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। F क्या है, 1/1 फंक्शन है। दूसरा क्या लोगे, 1/2। वन टू फंक्शन में देखिए इसमें क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू करेंगे आप R*, y बिलोंग्स टू R*, करेंगे ना, y बराबर क्या लेंगे, fx, डेफिनेशन से y बराबर क्या आएगा, fx, जैसे fa बराबर b लिखा है ना, तो y बराबर क्या होगा, देखो सिंपल कुछ भी नहीं सोचना, 1/1 के लिए fx1 बराबर fx2, 1/1 के लिए fx1 बराबर क्या लेना है fx2। तो ये जो है fx1 लिया, तो इस फलन में मान बैठा करके देखना है कि x1 बराबर x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो 1/1 फंक्शन है, समझ गया ना, आ गया तो 1/2 में आएगा ना, ज्यादा एकदम झोल में नहीं पड़ना है। 1/2 के लिए एकदम याद रख लीजिए, रट लीजिए y बराबर fx, y बराबर fx, तो y बराबर हम क्या रख दिए, ऐसे सभी हिसाब में होगा y बराबर fx, नहीं हो रहा है तो परिभाषा को याद न करेगा जी। इतना जो परिभाषा लिखा है, ये सब जो लिखा है क्यों लिखा है, अब परिभाषा याद करके नहीं आएगा वैसे क्लास में आ जाएगा तो हवा में उड़ जाएगा, जैसे मुंह देखते रहेगा, परिभाषा को याद करके आइए। तो y बराबर fx, fx का मान क्या है बोलो, 1/x है ना। yes, अब देखिए
एक्स को यहाँ पर ले आएंगे और वाई को यहाँ पर ले आएंगे, तो एक्स बराबर क्या होगा, वन बाय वाई होगा ना। ये आर स्टार का जो है सदस्य होगा कि नहीं होगा, होगा ना, रियल नंबर का होगा कि नहीं होगा। जी अगर मान के चलो कि यहाँ पर y का मान 2a रखेगा तो 1 बाय 2 क्या रियल नंबर न है। रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, रियल नहीं कहते हैं जी। तो मान के चलो कि y की जगह पर कोई भी मान रखो, एफ ए बराबर भी लिखते हैं जी, तो ये आपका बी हो गया, ये क्या हो गया, ये नहीं हो गया, एफ ए बराबर देखो तो बी नहीं हो गया। तो देखो वाई बराबर 1 2 की वाई बराबर एफ एक्स लिख देना, इतना अगर ये चीज नहीं भी समझेगा ना तो 1 2 फंक्शन में वाई बराबर एफ एक्स चुपचाप लिख देना। लिख दिए, ये वाई हुआ ही, ये बराबर हुआ ही, एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान क्या है, देखो है ना। आप देखिए एक्स को हम यहाँ लेंगे, वाई को यहाँ नहीं ले आ सकते हैं, एक्स यहाँ आ गया, वाई यहाँ आ गया। अब देखिए ये जो है आपको वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा, वाई के स्थान पर कोई भी मान रखिए, वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा, जीरो को छोड़ करके, क्योंकि हिसाब में कह रहे हैं नॉन जीरो, हिसाब में क्या कह रहा है, मतलब ये जो है वाई का मान जो है आप शून्य नहीं ले सकते, नॉन जीरो मतलब शून्य नहीं लेगा। तो फोन को छोड़ा, अगर फोन ले लिया तो क्या हो जाएगा, इसका इनफिनाइट नहीं हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा, तो क्या वो आपको रियल नंबर होगा, नहीं होगा, फोन को छोड़ा करके ना। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी मान लीजिए, या रूट ओवर 2 ये लीजिए, 1/√2 क्या रियल नंबर नहीं होगा, यहाँ पर 2 ये लीजिए, 1/2 रियल नंबर नहीं होगा, होगा ना कि नहीं होगा, ये होगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो रियल नंबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, ये क्या कह रहा था, रियल नंबर था जी। तो ये आपको 1 2 फंक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा, विरोध किया नहीं किया, किया तो इसको क्या लिख देंगे, सो एफ इज 1 2 फंक्शन, ये तो हो गया। अब देखिए इसी में एक पार्ट और है, एक पार्ट और है, कह रहा है कि रियल नंबर को नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए, रियल नंबर को, यानी यहाँ पर जो आपको ये रियल नंबर है ना, तो यहाँ पर आप क्या देंगे, नेचुरल नंबर देंगे, यहाँ पर आप क्या देंगे, नेचुरल नंबर, यानी एन दे देंगे, दे दिए। तो देखिए फिर इसी में, इसमें भी वही चीज चेक करना है, इसमें भी क्या करना है, 1 1 और 1 2 चेक करना है। तो यहाँ पर आर, उसमें आर स्टार दिए थे ना, इसमें क्या देगा बोलो, एन स्टार फिर दे दिया, एन दिया। तो हम मान लेंगे कि एक्स वन एक्स टू किसके सदस्य है, प्राकृतिक संख्या के सदस्य है। तो फिर वही प्रोसेस जो हम किए थे ना, किए थे। तो देखो एक्स वन बराबर एक्स टू हुआ कि नहीं हुआ, तो देखो ये 1 1 फंक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो परिभाषा है ना कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो तो एक्स वन बराबर आपको क्या पूर जाना चाहिए, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो, समझ गया ना, परिभाषा से ले आएगा। तो अब आपको आ गया कि एक्स वन एक्स टू के बराबर है, तो ये कौन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, समझ गया ना। अब बराबर नहीं होता, 1 1 फंक्शन नहीं होता। अब देखो 1 2 फंक्शन की हम बात करेंगे, बात करेंगे इसमें आप क्या लेंगे, आर स्टार की जगह एन ना लेंगे, एन ले लिए। अब देखिए तो यहाँ पर भी आप क्या देंगे, एन। तो देखो ये 1/y से ही तुमको लग रहा है कि परिमेय संख्या है जी सर, पी वटा क्यू के रूप की संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी सर, 1 2 फंक्शन। अब यहाँ पर देखो ये 1/y है ना, ये आपको नेचुरल नंबर होगा, होगा नेचुरल नंबर, बोलो 1/y नेचुरल नंबर का सदस्य होगा, नहीं होगा सर। हाँ, अगर आप जो है y का मान 1 ले लीजिए तो 1/1 नेचुरल नंबर हो जाता है, एक वो मान तो हो जाएगा। अगर y का मान हम 2 ले ले तो नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कह रहा है तो 2 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो y का मान हम 2 नहीं ले सकते हैं जी सर, ले सकते हैं ना जी।
वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं? टू दो जी सर। तो बोलो अगर आप वाई बराबर दो लेते हो, क्या लेते हो? दो, तो वाई की जगह क्या रखोगे? दो। तो वन बाय दो हो जाएगा। ये बोलो नहीं होगा, नहीं होगा, नेचुरल नंबर होगा नहीं। इसलिए वन बाय वाई नेचुरल नंबर होगा सभी संख्या के लिए नहीं होगा। तो एफ का आपको क्या होगा? सो एफ इज नॉट वन टू फंक्शन, नॉट वन टू फंक्शन, समझ चुका है ना? ये वन टू फंक्शन नहीं होगा। देखो ये नॉन जीरो रियल नंबर के लिए हो गया था, नॉन जीरो रियल नंबर के लिए हो गया था, लेकिन नेचुरल नंबर के लिए हुआ? देखो हिसाब बदला है, नहीं बदला है, सिर्फ क्या बदले थे? सेट बदल गया था, पहले रियल था, अब क्या हो गया? इसको ध्यान रखना, इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है, समझ गया ना? ये बदलने पर देखो फलन बदल गया, ये बदलने पर क्या हो गया? नहीं बदल गया, वन टू हो गया था रियल नंबर में, ये वन टू हुआ नहीं हुआ? तो इनका बहुत एकदम मतलब होता है। उसका जो है एक नंबर का सवाल इस प्रकार से है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब फलन जो परिभाषित है एफ एक्स का मान क्या है? एक्स स्क्वायर है। और देख रहे हैं कि एफ सजेट एन टू एन, इसका जो है फलन का डोमेन भी क्या है? नेचुरल नंबर है, और को डोमेन भी क्या है? नेचुरल नंबर, समझ गया ना? यस सर। इसका डोमेन को डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर से किसमें है? नेचुरल नंबर में, यानी प्राकृतिक संख्या से, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यह शुरू कहां से होता है? एक दो तीन, ऐसे चलते रहता है ना जी? यस सर। उसके बाद देखो वन वन के लिए, वन वन के लिए डेफिनेशन क्या होता है? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एक्स टू, तो एक्स वन बराबर क्या होगा? एक्स टू होगा, समझ गया ना? अगर एफ एक्स वन का मान और एफ एक्स टू का मान बराबर हो तो एक्स वन और एक्स टू का भी मान क्या होगा? बराबर होगा। या भिन्न भिन्न एलिमेंट का जो है बी में क्या हो? भिन्न भी और हम क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन कहते हैं। तो अब हमको वन वन यहाँ पर लिख लेना है, जैसे इसमें वन वन और वन टू चेक करना है, क्या चेक करना है? तो वन वन लिख लिया, इनका डेफिनेशन क्या है? एक्स वन बराबर एक्स टू, एक्स वन एफ एक्स वन बराबर क्या होता है? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हम लिख लिए, लिख लिए ना? अब देखो तो यहाँ पर एक्स है तब ना, एक्स है यहाँ पर वन देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो देखो एफ एक्स वन है तो एक्स वन का क्या होगा? होल स्क्वायर, एक्स टू यहाँ पर एक्स टू है तो एक्स टू का क्या होगा? स्क्वायर नहीं होगा। अब देखो अगर ये स्क्वायर हटा, स्क्वायर हटा ना जी, वर्ग हटेगा तो ये इस संख्या, यह संख्या किसमें जाएगा? रूट में। अब प्लस माइनस भी होगा, प्लस माइनस क्यों नहीं देंगे? रूट नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है, होता है न? तो क्या देना पड़ता? प्लस माइनस क्या देना पड़ता? नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्या, तो देखा है कि कोई प्राकृतिक संख्या नेगेटिव होता है? तो माइनस का सवाल उठता है नेचुरल नंबर के लिए? नहीं उठता है। तो चलिए इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस हम नहीं दिए। अब देखो तो कोई संख्या जो है स्क्वायर में रहे, रूट के अंदर में रहे, तो रूट से क्या होता है? बाहर नहीं निकल जाता है। तो देखो x2 रूट से बाहर निकल आया कि नहीं आया? तो x1 किसके बराबर हुआ? x2 के बराबर हुआ ना। x1 किसके बराबर? x2। दो बार नहीं भी लिखोगे तो चलेगा जी सर, एक बार देखिए। चलिए तो x1 बराबर क्या हो गया? x2। परिभाषा में यही लिखा है fx बराबर, fx1 बराबर क्या हो? fx2। यस सर। तो ये क्या आपको होगा? x1 बराबर x2, समझ गया ना? अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो एक्स वन बराबर क्या होगा? एक्स टू होगा। तब उसे हम क्या कहेंगे? वन वन फंक्शन कहेंगे। देखो जब हम एफ एक्स वन बराबर लिए एफ एक्स टू तो आपको क्या प्राप्त हो गया? एक्स वन बराबर एक्स टू प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? वो तो परिभाषा में ना शामिल है जी, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो इम्प्लाइज एक्स वन बराबर एक्स टू। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया? एल एस एस। ये पार्ट आपका क्या हो गया? आर एच एस। एल एच एस से क्या करेंगे? आर एच एस को पुराएंगे ना जी सर। तो देखिए एल एच एस पार्ट लिए तो आर एच एस पार्ट आपका पूरा कि नहीं पूरा? पूरा ना कि नहीं पूरा? पूरा गया। उसके बाद देखो
तो ये तो आपका वन वन फंक्शन हो गया। फिर हम किसको चेक करेंगे, वन टू फंक्शन। अच्छा अगर फलन भी कह रहा है तो वन टू में क्या लेते हैं, वाई बराबर एफ एक्स, इसका डेफिनेशन क्या है, वाई बराबर है ना जी, यानी इसमें जो है रेंज, रेंज किसके बराबर होगा, इसका डेफिनेशन जो बताए हैं रेंज कोडोमेन के बराबर हो, रेंज कोडोमेन में बराबर, उसे हम क्या कहते हैं, अच्छादक टू फंक्शन, अच्छादक फलन। रेंज कोडोमेन के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समझ गया ना, यानी बी का प्रत्येक इमेज, बी का प्रत्येक इमेज जो है एक एक किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो, इमेज, यानी बी का प्रत्येक अवयव एक एक किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो, यानी बी का प्रत्येक अवयव इमेज होगा, बी का प्रत्येक अवयव क्या होगा, इमेज होगा, तब उसे हम क्या कहते हैं, वन टू। तो चलिए वन टू के लिए वाई बराबर हम क्या लेते हैं, एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स। तो इसलिए देखिए वाई यहाँ पर होगा ही, एफ एक्स का मान क्या है, एक्स टू है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं, वाई को बाद में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा, वाई में रूट लग जाएगा, नहीं जाएगा तो रूट ओवर क्या होगा, वाई हुआ ना। अब देखिए तो ये जो है कह रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है जी, फलन जी सर, तो रूट वाला संख्या नेचुरल नंबर में होगा, रूट वाला संख्या नेचुरल नंबर में होगा, बोलो आप, नहीं होगा। एक को छोड़ा करके अगर y का मान हम क्या ले ले, y चूंकि x भी प्राकृतिक संख्या है, y भी क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है, तो बोलो अगर हम y का मान x से शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, क्यों करेंगे x से शुरू, क्योंकि x से गिनती और प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या x शुरू होती है, जीरो क्यों लेंगे, जीरो नहीं है, तो इसलिए अगर हम वन लेते हैं तो वन का जो है वर्गमूल क्या होगा, वन होगा, होगा। और जब हम दो लेंगे दो वर्गमूल स्क्वायर रूट दो होगा, दो का, दो का निकलेगा ही नहीं, पॉइंट में से निकलेगा, समझ गया ना, तो रूट ओवर दो प्राकृत संख्या होगा, यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है कि एक के लीजिए, जब चूंकि कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में है तो तुम एक से ना शुरू करेगा, और तुम वो पॉइंट खोजो जो इसका विरोध कर रहा है, सब इनके पक्ष में है, एको को विरोध कर दिया, चुनाव न है कि एकदम दस टो वोट पड़ा, दस में से नौ पर गया तो तुम जीत गया, ये चुनाव नहीं है, ये क्या है, हिसाब है, यानी सब इसके पक्ष में एकदम जयकार लगा रहा है, समझ गया ना, एक को विरोध कर दिया तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो तुमको वही चीज खोजना है, तुमको वही चीज खोजना है, यहाँ तो ढेरों विरोध कर रहा है, दो भी विरोध करेगा, तीन भी करेगा, चार का दो निकल आएगा, चार नहीं करेगा, पांच भी करेगा, छह भी करेगा, सात आठ सिर्फ नौ नहीं करेगा, हैं? फिर दस भी करेगा, तो ये कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो एफ एक्स वन बराबर क्या परिभाषा से एफ एक्स टू आएगा, ये आपका एल एच एस पार्ट हो गया ना, अब आर एच एस पार्ट पूरा आएगा ना, तो देखिए एफ एक्स वन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, वन लेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, वन होगा, तो एफ एक्स वन मतलब हो गया एक्स वन का होल स्क्वायर, समझ गया ना, एफ एक्स टू का मतलब क्या हो गया, एफ एक्स टू का होल स्क्वायर, क्यों होगा ये लड़का बताएगा, एक्स टू का होल स्क्वायर क्यों होगा, देखो नहीं समझ रहा है, देखो यहाँ पर एक्स है तब ना एक्स है जी, और यहाँ पर दू रहेगा तो यहाँ पर क्या देंगे, दो का स्क्वायर, दू के अनुसार ना इसको लिखेगा, अगर मान के चलो यहाँ पर हम तीन लेते तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तीन के अनुसार, एक्स थ्री का होल स्क्वायर नहीं करते जी, या चार लेते तो हम क्या करते, एक्स फोर का होल स्क्वायर करते ना जी, चलिए स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, रूट हुआ, प्लस माइनस ना होगा जी, लेकिन प्राकृत संख्या में लिए थे प्लस माइनस, माइनस लिए थे, प्राकृत संख्या नेगेटिव नहीं होता था, अब पूर्णांक संख्या क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव भी ना होता है, तो प्लस माइनस क्या होगा बोलो, प्लस माइनस एक्स टू होगा ना, तो देखो एक्स वन जो है आपको एक्स टू के बराबर हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू के बराबर हो जाएगा, लेकिन
x1 जो है माइनस x2 के बराबर होगा नहीं सर कभी नहीं होगा नहीं होगा देखो प्लस माइनस आया तो एक बार क्या लेंगे प्लस एक बार पहले एक बार क्या लेंगे माइनस वाले संख्या जी सर तो देखिए x1 तो x2 के बराबर हो जाएगा यस सर लेकिन x1 जो है कोई भी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के बराबर होगा नहीं होगा तो देखिए विरोध कर दिया कि नहीं कर दिया विरोध का सुर आ गया है विरोध का सुर इसलिए ये क्या है वन वन फंक्शन तो यहाँ पर लिखेगा सो f इज नॉट वन नॉट वन वन फंक्शन f जो है वन वन फंक्शन नहीं है उसके बाद हम आते हैं वन टू फंक्शन में इसमें आएगा वन टू फंक्शन तो देखिए y बराबर इसमें क्या लेंगे एफ एक्स वन टू y बराबर क्या लेंगे एफ एक्स y का मान रहेगा ही एफ एक्स का मान क्या होगा है ना जी सर एफ एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर तो बोलिए आप एक्स स्क्वायर को इधर और y को हम इधर लिख सकते हैं स्क्वायर हटेगा रूट होगा स्क्वायर हटेगा अब देखो यहाँ पर हम क्या देंगे प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया ना और रूट ओवर वाई हुआ कि नहीं हुआ हुआ ना क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स और वाई कौन संख्या है पूर्णांक संख्या है एक्स और वाई क्या है पूर्णांक संख्या है तो आप बोलिए अगर वाई की जगह हम एक को छोड़ करके एक को छोड़ करके हम क्या ले लेते हैं दो ले लेते हैं क्या ले लेते हैं दो तो ये जो रूट ओवर दो होगा ये पूर्णांक संख्या होगा होगा सर मारवो सर वहीं से बोल दिए रूट ओवर दो पूर्णांक संख्या होगा वो तो वास्तविक संख्या होता है जी या मान के चलो कि माइनस दो ही ले ले क्या ले ले माइनस दो ही ले ले फिर भी पूर्णांक संख्या होगा रूट में नहीं जी यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या कौन है उनके समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं पर भी हम कहते हैं कि रूट ओवर दो रूट ओवर तीन पूर्णांक संख्या है वास्तविक संख्या न हुआ तो इसलिए देखो क्योंकि किसी भी संख्या का यहाँ पर कंडीशन है कि आप कोई चीज रखिए नहीं है तो आप सभी संख्या लेके ट्राई करेगा देखेगा कि एको को संख्या विरोध कर रहा है यहाँ तो एकदम ढेर सारे संख्या विरोध करेगा नहीं करेगा तो इसलिए y के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं एक रखेंगे तो एक का वर्गमूल एक यस सर हो गया आपको पूर्णांक संख्या क्या प्लस एक रहे कि माइनस एक रहे पूर्णांक संख्या हो गया ना हम दो रखेंगे क्या रखेंगे दो तो बोलो विरोध कर दे ये आपको होगा पूर्णांक संख्या यहाँ पर लिख देना है नॉट बिलोंग्स टू जेड अब देखो एफ इज नॉट वन टू फंक्शन एफ जो है वन टू फंक्शन नहीं है। अब हम दो की तीन नंबर की बात कर लेते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि फलन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में है यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो है डोमेन और कोडोमेन भी रियल नंबर में है यानी दो ऐसे डायग्राम बनाए इसमें एक फलन एफ है ये हो गया ये बी हो गया तो देखिए एफ एक्स परिभाषित है आपको एक्स स्क्वायर के रूप में तो माइनस वन और यहाँ पर प्लस वन ले लिए तो माइनस वन का भी प्रतिबिंब वन ही बनेगा क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर वन ही हुआ प्लस वन का भी प्रतिबिंब वन ही बनेगा तो इस प्रकार से दो एलिमेंट का एक इमेज होता है इसलिए वन वन फंक्शन नहीं होगा जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं उसके बाद देखिए चूँकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तो इसलिए कोडोमेन के वे सभी ही अभी अब इमेज होंगे जो पॉजिटिव होंगे जैसे माइनस दो ले लिए तो माइनस दो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा तो कोडोमेन में एलिमेंट जो होगा वो सभी ऋणात्मक संख्या बचेंगे ही इसलिए आपको ये फंक्शन जो है वन टू फंक्शन भी नहीं होगा यहाँ पर देख सकते हैं नाउ टू माइनस टू बिलोंग्स टू आर चूँकि माइनस टू जो है वो रियल नंबर है लेकिन बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर सच डेट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू यानी एक्स का कोई भी मान के लिए उसका मान जो है माइनस टू नहीं आएगा क्योंकि फलन एक्स स्क्वायर के रूप में डिवाइड यहाँ पर डिफाइंड है
क्योंकि यहाँ पर x के स्थान पर कोई भी निगेटिव संख्या रखेंगे तो पॉजिटिव निकल के ही आएगा, या पॉजिटिव रखेंगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इस प्रकार से ये फंक्शन न तो 1 1 हुआ न ही 1 2 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं। 2 की 4 जो है फलन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि fx बराबर x क्यूब। तो देखिए पहला 1 1 फंक्शन चेक करना है, तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, 1 1 का जो डेफिनेशन है वह है fx1 बराबर fx2। इस डेफिनेशन को याद रखिए। तो यहाँ पर x1 और x2 के रूप में x1 के रूप में x और x2 के रूप में y लिया गया है। तो चूंकि फलन है fx बराबर xq, तो इसलिए fx है तो xq होगा ही, fy है तो yq होगा ही। तो ये पावर 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या x बराबर y। क्योंकि देखिए स्क्वायर में हम पावर को हटाते हैं तो प्लस माइनस करके निकलता है, और अगर पावर जो है विषम रहे तो डायरेक्ट काट दीजिए। इसलिए क्योंकि अगर संख्या नेगेटिव है तो उसके आगे में नेगेटिव रहेगा ही, संख्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपको जो है इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। वैसे इसमें नेगेटिव का सवाल उठता ही नहीं, स्क्वायर भी रहता तो ये 1 1 फंक्शन होता ही, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। उसके बाद देखिए चूँकि सेट जो है इसका यानी डोमेन को डोमेन दोनों क्या है नेचुरल नंबर है, और fx बराबर xq के रूप में परिभाषित है, ये भी नेचुरल है ये भी नेचुरल है। तो 1 2, तो इस यहाँ पर 1 लेंगे 2 लेंगे, तो 1 का q क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का q क्या होगा 8 होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको जो ये 2 एलिमेंट है वो किसी का इमेज नहीं होगा, 3 भी किसी का इमेज नहीं होगा, 4 भी किसी का इमेज नहीं होगा। तो ये सब एलिमेंट जो है कोडोमेन में बचेंगे ही, तो फलन की डेफिनेशन से अगर कोडोमेन में एलिमेंट बचता है तो वह 1 2 फंक्शन नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार से फंक्शन न तो इंजेक्टिव है न ही सर्जेक्टिव, ये फंक्शन इंजेक्टिव तो है और सर्जेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब होता है 1 2। तो इंजेक्टिव फंक्शन है लेकिन सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब हम 5 की बात कर लेते हैं। तो 5 में आप देख सकते हैं कि f फंक्शन z2z इज गिवन है, यहाँ पर देख सकते हैं fx बराबर xq हो गया, इस प्रकार से फलन परिभाषित है। तो चूंकि पावर 3 है कट जाएगा जैसा कि ऊपर हमने समझाया, तो x बराबर क्या होगा y। ये कहाँ से आता है, फलन की डेफिनेशन से आता है। तो देखिए फलन है fx बराबर xq, तो इसलिए fx बराबर xq, fy बराबर yq, 3 पावर 3, पावर 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या x बराबर y। तो f आपको इंजेक्टिव यानी 1 1 फंक्शन है। फिर उसी प्रकार से 2 जो है, 2 आपको पूर्णांक संख्या है लेकिन 2 किसी भी नंबर का जो है इमेज नहीं होगा, इसलिए ये जो है आपको 1 2 भी फंक्शन नहीं है। तो इस प्रकार से f जो है 1 1 फंक्शन हुआ लेकिन 1 2 फंक्शन नहीं हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और क्लास 12 की संपूर्ण क्लास चाहते हैं, संपूर्ण बैच चाहते हैं, तो हमारे द्वारा बनाए गए सभी पार्ट को देख ले, आपको क्लास 12 मैथ की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, आपको कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पार्ट 1 से देखे, और आपको सभी वीडियो का लिस्ट प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए एक्सरसाइज आपको हो गया 1.2, और क्लास क्या हो गया 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इस प्रकार से कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f फंक्शन R2R न तो एक एक ही है और न आच्छादक है, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x से कम उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। समझ गया? यस सर। तो यहां पर आपको फंक्शन का जो मान दिया है वो किस प्रकार से है, x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और फलन का जो है कोडोमेन
और डोमेन क्या है बोलो आर सर आर टू आर डोमेन इसका क्या है रियल नंबर जी सर कोडोमेन भी इसका क्या है रियल नंबर रियल नंबर है ना जी सर अब देखो इसमें क्या चेक करना है 11 और 12 क्या चेक करना है 11 मतलब एक है तो देखो पहला लिख दो इसे 11 11 लिख दिए यस सर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर अब एक्स में होता है क्या कि पॉइंट के बाद जो भी संख्या होती है उड़ जाता है पॉइंट के बाद क्या होता है उड़ जाता है तो पहले तो देखो आप इनके परिभाषा से क्या जानते हो 11 की परिभाषा से आप मान लोगे कि माना कि एक्स वन और एक्स टू बिलोंग्स टू मतलब रियल नंबर है एक्स वन एक्स टू क्या है रियल नंबर है ना यस सर फिर इसके डेफिनेशन से क्या होता है एफ एक्स बटे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होता है ना यस सर एफ एक्स वन बराबर क्या हो जाता है एफ एक्स टू अब बोलो तो यहाँ पर आप करोगे क्या एक्स वन का कुछ हम मान ले लेते हैं एक्स वन बराबर हम क्या मान लेते हैं 1.2 क्या मान लिया 1.2 सर पॉइंट में क्यों माने देखो होता है क्या कि जो है चुनाव नहीं है ये क्या है हिसाब है जिससे चुनाव में तुमको 100 मान के चलो तुम्हारे पड़ा कुल मतदाता संख्या क्या है 100 में 100 वोट पड़ गया समझ गया ना 100 में तुमको 99 वोट मिला एगो वोट जो है ना विरोधी पार्टी को मिला तो कौन जीतेगा 99 वाला 99 वाला जीतेगा ना जी सर ये जो हिसाब है इसमें जो है कि तुम्हारे पक्ष में जो है 99 को एकदम तर्क सही हो जाएगा एगो तर्क विरोध कर दिया तो हिसाब ही नहीं सही होगा समझ गया ना जी सर ये हिसाब है ये वोटिंग नहीं है इसमें को तर्क विरोध कर देगा ना एक भी तर्क विरोध कर दिया तो ये आपका जो है हिसाब गलत हो जाएगा वो फलन होगा नहीं जिस पर हम बात करेंगे वो नहीं होगा जी सर समझ तो इसलिए 1.2 अच्छा हाँ अब ये बात रही कि ये 1.2 ही क्यों लिए तो 1.2 इसलिए टू लिए क्या 1.2 रियल नंबर नहीं है हाँ सर है ना जी सर तो इसलिए जब रियल नंबर में से रियल नंबर कर है तो हम क्यों लेंगे 1.2 लेंगे ना जी सर 1.2 तो कोई इधर मत खींचो बेंच को उधर ही रहने दो गिर जा रहे अब चलिए तो 1.2 क्यों लिए क्योंकि रियल नंबर तो यहाँ पर देखो 1.2 ले लिए यहाँ पर एक्स है कम ना एक्स है जी यस सर यहाँ पर 1.2 रहेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा 1.2 अब हम क्या बताएं ग्रेटेस्ट इंटीजर में दशमलव के बाद का जो है मान क्या होता है उड़ जाता है महत्तम ने कर है दशमलव वाला मान को क्या करेगा उड़ा देंगे उड़ान देगा एक बचा ना यस सर उसके बाद देखो हम लेते हैं कि एक्स टू बराबर 1. हम 9 ले लेते हैं ले लिए ना कोई बात नहीं तो हम क्या लेंगे एक्स नाइन की जगह 1.9 देखो एक्स टू है ना यस सर इसका मान क्या लिए 1.9 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या रखेगा 1.9 बराबर में क्या निकलेगा एक निकलेगा ना यस सर एफ 1.2 का भी मान एक है एफ 1.9 का भी मान क्या है एक है यस सर अब देखो हम फिगर हम बना लेते हैं जैसे 1.2 करते हैं 1.9 हम क्या करते हैं 9 करते हैं ऐसे बना लिए एक ले लिए तो बोलो दो एलिमेंट का कितना इमेज बना एक इमेज बना एक इमेज बना ना जी सर इसे हम 1.1 फंक्शन कहेंगे जी सर जी सर 1.1 फंक्शन कैसे लेंगे बनो एगो एलिमेंट का एगो इमेज बनता तब होता है 1.1 होता है 1.1 तो दो गो एलिमेंट का एगो इमेज बन गया यस सर इसलिए 1.1 फलन हुआ नो सर 1.1 फंक्शन हुआ नहीं हुआ अब वैसे भी देखो ये 1.2 बराबर क्या होगा एफ 1.9 होगा कि नहीं होगा यस सर क्योंकि दोनों का मान एक है आप देखो ये आपका क्या हो गया एक्स वन ये आपका क्या हो गया एक्स टू यस सर तो देखो जब करता है परिभाषा की एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो तो एक्स वन किसके बराबर होगा एक्स टू के बराबर होगा ना आप देखो एक्स वन मतलब क्या हो गया 1.2 यस सर एक्स टू मतलब क्या हो गया 1.9 तो 1.2 1.9 के बराबर होगा नहीं होगा इस अनुसार भी देखो ये 1.1 फंक्शन होगा नहीं होगा नहीं तो ये फिगर बना दो इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ही नहीं तो सो एफ इज नॉट एफ इज नॉट 1.1 फंक्शन
अब देखो दूसरा क्या आता है वन टू फंक्शन, दूसरा क्या आता है वन टू फंक्शन। तो देखो वन टू फंक्शन आराम से समझ जाओगे, वन टू फंक्शन ये चेक करना है। तो इसमें देखो जैसे ग्रेटेस्ट, इसमें वही एलिमेंट ना इमेज होगा जिसके बाद पॉइंट वाला संख्या नहीं आता, डिजिट नहीं आएगा। जी सर, जैसे देखो रियल नंबर से रियल नंबर मैंने कह रहा है, जी सर। तो रियल नंबर से हम रियल नंबर लेते हैं, ले लिए यस सर। अच्छा इसमें हम 1.1 लेते हैं, 1. क्या लेते हैं 2 लेते हैं, 1. क्या लेते हैं 3 लेते हैं। अब इसमें देखो क्योंकि ये भी रियल नंबर है और इसका ये भी क्या है रियल नंबर है, यस सर। तो क्या इसमें 1.1 नहीं ले सकते हैं? ले सकते बढ़िया, 1 ले सकते हैं ना। क्या 2.1 नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो चलो 1.1 का क्या इमेज बनेगा? 1.1 नहीं बनेगा, 1.1 का इमेज क्या बनेगा? 1.1। देखो तो 1.2 का क्या बनाता, उसी प्रकार से यहाँ पर 1.1 रखेगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1.1। जी सर, इमेज क्या निकल के आएगा? 1 आएगा, यानी दशमलव वाला संख्या और न जाएगा। जी सर, उड़ जाएगा। जी सर, तो 1.1 का इमेज क्या बनेगा? 1 बनेगा। 1.2 का क्या बनेगा? 1 बनेगा। 3 का बनेगा, क्या बनेगा? 1 बनेगा, बनेगा ना। जी सर, तो चूंकि ये 1.1 रियल नंबर है कि नहीं है ना? यस सर। तो आप बोलो ये किसी का भी इमेज होगा? नो सर, ये किसी का इमेज होगा नहीं सर। तो 1.2 के लिए क्या है कि अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बच गया तो उसे हम 1.2 फंक्शन कहते हैं? नहीं सर। क्या लिखा है कि यदि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? इमेज हो। सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? इमेज, बी का इमेज हो। इमेज हो तो हम उसे क्या कहते हैं? 1.2 फंक्शन कहते हैं। यानी कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? एक किसी न किसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए। तो ये कोडोमेन हुआ ना, तो प्रत्येक एलिमेंट इमेज हुआ? नहीं हुआ। तो 1.2 फंक्शन होगा? नहीं होगा। समझ चुका है ना? जी सर। तो क्या लिखेगा ये 1.1 आपको क्या है आर का क्या है सदस्य है? 1.1 किसका सदस्य है? आर का। एक्स बिलोंग्स टू क्या करोगे? ये भी आपको एकदम आर का सदस्य है जी। किसी भी एक्स के लिए, समझ गया ना? जी सर। देखो एफ एक्स बराबर आपको मान 1.1 आएगा? नहीं आएगा, 1 आएगा। मतलब एक्स के स्थान पर कोई भी संख्या ऐसा लेगा तो क्या 1.1 मान आएगा? नहीं आएगा। अब तुम कहेगा कि यहाँ पर 1.1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1.1, तो क्या मान आएगा? 1 आएगा। 2. हम एक ले लेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। 2 आएगा, 2 आएगा जी सर। 3. हम 1 ले लेंगे ना, दशमलव वाला जो की बात जो है उस संख्या छोड़ देंगे। जी सर, छोड़ देंगे दशमलव। क्या कोई भी एक्स के लिए, कोई भी एक्स के लिए उसका जो है मान 1.1 आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा किसी के लिए भी? नहीं सर। नहीं होगा? नहीं। ऐसे कर दो। जी सर, कर देते हैं। डज नॉट, किसी भी एक्स के लिए जो है एफ एक्स बराबर 1.1 मान नहीं आएगा। एफ इज नॉट नॉट 1 फंक्शन, 1.2 फंक्शन। वैसे ये फिगर बना दो, इसके बाद लिख दो एफ इज नॉट 1.2 फंक्शन। क्वेश्चन नंबर इनका 4 जो है इस प्रकार से कह रहा है कि एफ फंक्शन आर टू आर, इसमें भी क्या है देखो पूरी हिसाब जो है थोड़ा सा कीजिए कि एफ एक्स बराबर यहाँ पर है कि मोड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ फंक्शन आर टू आर न तो एक एक ही है न ही आच्छादक है, जहाँ पर मोड एक्स बराबर एक्स यदि धन या शून्य है तथा मोड एक्स बराबर माइनस एक्स यदि ग्रीन है। एक्स समझ गया ना, यानी मोड एक्स बराबर एक्स होगा जब एक्स क्या होगा या तो शून्य होगा या तो धनात्मक संख्या होगा। अब मोड एक्स बराबर माइनस एक्स होगा जब वो एक्स क्या होगा या तो ऋणात्मक संख्या होगा, तब मोड एक्स बराबर माइनस एक्स होगा जी। तो इसका जो फंक्शन है इस प्रकार से डिफाइंड है, एफ एक्स बराबर क्या हो गया मोड एक्स, एफ एक्स बराबर क्या हो गया मोड एक्स, और ये जो फलन है आपको रियल नंबर से रियल नंबर में है, रियल नंबर से रियल नंबर में, रियल नंबर में है। यस सर। अब देखिए
दो तीन तरीके से सवाल को तुम दो तीन तरीके से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो चलिए सॉल्यूशन ऐसे लिख दीजिए या सिद्ध करना है तो प्रूफ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्या करेंगे, पहला जो है सर वन वन फंक्शन, पहला वन वन फंक्शन जी सर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेफ्ट तो माइनस वन और प्लस वन, ये किसका सदस्य है, आर का, आर का सदस्य है जी सर। माइनस वन और प्लस वन किसका सदस्य है, आर का। एफ माइनस वन बराबर क्या होगा, देखो एफ एक्स बराबर क्या है, मोड एक्स है ना जी सर, मोड एक्स का। यहाँ पर माइनस वन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस वन होगा। तो कोई भी संख्या नेगेटिव में हो वो मोड के अंदर में हो तो बाहर निकलता है पॉजिटिव हो जाता। क्यों पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि मापांक है, मापांक क्या कहते हैं इसको, मापांक जी सर। माप जो होगा कभी ऋणात्मक होगा नहीं सर, इसलिए एक किलो नब्बे एक हो गया ना। अब एक और एलिमेंट क्या लिए हैं, एक न लिए हैं। तो देखो तो मोड वन इसका भी मान कितना होगा, वन होगा। किसको इसमें सस्पेंस है, किसी को नहीं, किसी को नहीं सस्पेंस भी है ना सर, अपने मन से माना है। हाँ, हमको आपको क्या बोले कि आपको ऐसा मान खोजना है जो इसका विरोध करे, क्योंकि रियल नंबर है तो क्या माइनस वन नहीं ले सकते हैं, प्लस वन नहीं ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए तो ढेर सारे आपके पास डिजिट है ना जी, है ना। तो आप क्या करोगे कि वैसा ना डिजिट चूज करोगे जो इसका विरोध कर दे जी सर। हम यहाँ पर जाए कि वन ही ले लिए, उसके बाद हम प्लस टू ही, ऐसा मान ना लोगे कि एकदम आपको जाए कि चीन इसका विपरीत हो, संख्या सेम हो, तबे ना एकदम दो एलिमेंट का एक इमेज बनेगा। यस सर। तो ऐसे हम दो डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लेगा, माइनस वन और प्लस वन, यहाँ पर वन ले लेते हैं। देखो माइनस वन का भी इमेज क्या बना था, वन बना है। वन का भी इमेज क्या बना, बना है, बना है कि नहीं बना है जी सर। क्या आपको एफ वन वन फंक्शन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इतना लिख दो, लिख दो, लिख दो कि एफ इज नॉट वन वन फंक्शन, एफ इज नॉट वन वन, एफ वन वन फंक्शन नहीं है। दिक्कत भी है नहीं सर। अब चूंकि देखो वन और वन ये आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए आपको क्या होगा, माइनस वन एफ माइनस वन बराबर क्या होगा, एफ वन होगा ना जी सर। लेकिन आपको जो है माइनस वन वन के बराबर होगा नहीं, होगा कहीं होगा, क्योंकि परिभाषा कहता है कि एफ एक्स वन बराबर क्या हो, एफ एक्स वन होगा, तो एक्स वन बराबर क्या होना चाहिए, एक्स वन होना चाहिए, एक्स टू होना चाहिए, एक्स टू होना चाहिए, ये एक्स वन हो गया, ये क्या हो गया, एक्स टू हो गया। तो क्या एक्स वन एक्स टू के बराबर है, नहीं है। एक्स वन मान ले माइनस वन को, एक्स टू मान ले प्लस एक को, तो क्या एक्स वन बराबर एक्स टू माइनस वन प्लस वन के बराबर होगा, माइनस वन रहता तब होता है, समझ गया ना। यस। तो इस प्रकार से भी तुम कर सकता है, नहीं तो ये फिगर बना दिए, ये काफी है, ये लिखो नहीं भी लिखो। अब दूसरा क्या चेक करोगे, वन टू फंक्शन, तो वन टू फंक्शन वन टू वन टू सर जी, समझ गया ना। अब वन टू ने दूसरा चेक करोगे, वन टू उसके बाद देखो। अच्छा इमेज जो बनेगा, ये जो इमेज बनेगा तो वो जो है हमेशा धनात्मक में होगा कि ऋणात्मक में होगा, क्योंकि जो इमेज आएगा वो जो मोड से बाहर आके आता है धनात्मक में आता है, धनात्मक में आता है, क्योंकि दोनों क्या है रियल नंबर है, रियल नंबर, ये भी क्या है रियल नंबर, ये भी आपका क्या है रियल नंबर, रियल नंबर है ना। तो क्या ऋणात्मक संख्या उसमें नहीं रहेगा, रहेगा। तो ऋणात्मक संख्या किसी एलिमेंट का इमेज होगा, नहीं होगा। ऋणात्मक संख्या किसी एलिमेंट का इमेज होगा, नहीं होगा। आप देखो कोडोमेन में एलिमेंट बच गया कि नहीं बच गया, बच गया सर। एफ वन टू फंक्शन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर वन टू में ऐसे आप दो डायग्राम बना लीजिए, समझ गया ना। जैसे यहाँ पर माइनस वन ले लिए, वन ले लिए, टू ले लिए, यहाँ पर हम भी माइनस वन लेते हैं,
उसके बाद हम जो है वन लेते हैं टू लेते हैं। देखिए माइनस वन का इमेज क्या होगा वन, प्लस वन का इमेज क्या होगा प्लस टू का इमेज क्या होगा टू होगा होगा ना जी सिलेक्ट एलिमेंट। अब देखिए तो देखिए माइनस वन जो है ये किसका सदस्य है वन आर का, आर का आपका है ना कोडोमेन का है ना एलिमेंट। क्या माइनस वन किसी भी ये जो डोमेन आर के किसी भी एलिमेंट का इमेज होगा नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं डोमेन आर बोलते हैं जी सर। माइनस वन डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज होगा नो सर। तो कोडोमेन में को एलिमेंट बच गया तो वन टू फंक्शन होगा नहीं होगा। परिभाषा के विपरीत नहीं हो जाएगा यस सर। परिभाषा तो यही करते हैं। अब माइनस वन क्यों ले लिए रियल नंबर माइनस वन रियल नंबर है कुछ ले सकता है ना तो मोर ले सकता है माइनस तीन भी ले सकता है। मतलब सिंपल एग्जांपल लो जो विरोध कर दे ये जो है माइनस वन जो है आपको क्या है रियल नंबर है कोडोमेन का एलिमेंट है। मान लेते हैं कि एक्स जो है आपको किसका एलिमेंट है डोमेन का। एक्स किसका एलिमेंट है डोमेन। इसका डोमेन भी क्या है आर एन है जी। डोमेन भी इसका क्या है आर है ना। तो इसके किसी भी एलिमेंट से माइनस वन इमेज प्राप्त होगा इसके किसी भी एलिमेंट से माइनस वन इमेज प्राप्त होगा। तो आप लिख दीजिए कि एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स से कभी भी माइनस वन की प्राप्ति होगा। जब कभी होगा तो किसकी प्राप्ति होगा धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या की प्राप्ति होगा। एक्स क्यों ले लिए एक्स क्यों ले लिए कोई ऋणात्मक या धनात्मक संख्या लेगा तो प्लस होके निकलेगा। एक्स मतलब ले लिए किसके स्थान पर हम कोई भी ना सभी संख्या को ट्राई कर सकते हैं इसलिए एक्स ले लिए। एफ इज नॉट वन अति वन टू फंक्शन देखो क्वेश्चन नंबर पांच जो है इसमें कह रहा है कि सिर्फ कीजिए कि एफ फंक्शन आर टू आर समझ गया ना। एफ एक्स बराबर देखो वन होता है यदि एक्स का मान क्या होता है जीरो से बड़ा होता है और जीरो होता है यदि एक्स का मान जीरो के बराबर होता है माइनस वन होता है समझ गया ना। जब जीरो से क्या होता है छोटा होता है इस प्रकार से परिभाषित है छोटा तो बड़ा दिया कहा तीन फलन नौ तो एक एक ही है नौ ही अच्छा दक है नौ तो एक एक ही है नौ ही अच्छा दक है। तो देखो फलन जो है पांच नंबर में ये आर से आर में मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में तो इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा कोडोमेन भी क्या होगा रियल नंबर होगा। तो एफ एक्स बराबर इस प्रकार से फलन डिफाइंड है कह रहा है कि वन होता है मान क्या होता है वन होता है वन यदि एक्स का जो मान है जीरो वो जीरो से क्या हो बड़ा हो बारा। जीरो से क्या हो बड़ा हो उसके बाद जीरो होता है यदि एक्स का मान क्या हो माइनस जीरो हो समझ गया ना। उसके बाद माइनस एक से माइनस एक होता है क्या हो जाता है एक हो जाता यदि एक्स का मान क्या हो जाए जीरो से छोटा हो तो इसमें कीजिए सर कि यह जो फलन है सर इसमें दिया कहाँ है ग्रेटर देन लेस देन नो ही एक एक ही है सर बुक में कहाँ दिया हुआ है ग्रेटर देन लेस देन दिया ही होगा नहीं कैसे नहीं है। तो सॉल्यूशन में पहला आप क्या चेक करेंगे वन 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 चेक करेंगे ना जी जी। तो कह रहा है एक्स का मान क्या हो एक्स का मान जीरो से बड़ा जी सर। एक्स का मान क्या हो बड़ा एक्स जीरो का जीरो से एक्स का मान अगर जीरो से बड़ा होगा तो एक्स का मान क्या होगा वन होगा टू थ्री कुछ भी हो सकता है। तो बोलो अगर हम वन लेते हैं क्या लेते हैं वन लेते हैं तो देखो अगर आप वन लेगा जीरो से बड़ा निकल रहा है जी सर क्या आपको इमेज प्राप्त होगा होगा जी सर। अगर आप दो लोगे क्या लोगे दो लेंगे तो क्या इमेज प्राप्त होगा दो मारेंगे हम जी एक्स प्राप्त प्राप्त होगा पर एक्स का मान जीरो से बड़ा हो एक्स का मान जीरो से बड़ा हो क्योंकि रियल नंबर है तो जीरो से बड़ा लेंगे तो एक दो रूट में जो लेना चाहे वो ले सकते हो ना। तो वह क्या होगा उसका मान एक होगा क्या होगा एक होगा एक को छोड़ा करके दूसरा भी मान होगा एक्स थोड़े है
कि जो मान लेगा वही हो जाएगा ना, ना, स्पेशल मान ने दे दिया है जी सर, केवल मान दिया हुआ है। आप फ्री भी लेंगे तो उसका इमेज एक ही होगा नहीं होगा अगर मान के चलो एक्स रहता तब तो कोई बात ही नहीं सिमिलर चलते ऐसा नहीं ना क्योंकि ये मान दे चुका है तो एक के बदले हम दो नहीं रख सकते हैं तो तीन मिलेगा तो क्या होगा क्या होगा बोलो इतने सारे एलिमेंट का एक ही इमेज क्या वन वन फंक्शन होगा ये कभी वन वन होगा तो लिखेगा ना एफ वन जो है देखो इसका भी मान एक इसका भी मान एक एफ वन किसके बराबर होगा एफ टू के बराबर क्या वन टू के बराबर होगा ना देखो एफ इज नॉट वन वन बढ़िया भारी बनाया दूसरा देखो इसमें क्या है वन टू ना जी दूसरा क्या चेक करोगे वन टू तो वन टू फंक्शन के लिए देखो क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर में किसमें है जी रियल नंबर से रियल नंबर में है इसका जो है आपको डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है रियल नंबर है ना अब देखो तो इसमें जो है कि हम वन ले लिए टू ले लिए थ्री ले लिए ले चुके हैं फोर भी ले चुके हैं ले चुके हैं तो इसके बाद आप बताइए कि चूंकि ये भी रियल नंबर है ये भी क्या है आपका रियल नंबर है क्या माइनस वन ले सकते हैं जी सर ले सकते हैं जी उसके बाद जो है रियल नंबर में सभी आ सकता है अब ऐसा मान लो माइनस टू ले सकते हैं ना जी सर ले सकते हैं माइनस ए ले सकते हैं ना जीरो उसके बाद जो है जीरो ले सकते हैं ना वन ले सकते हैं दो जी सर ये सब ले सकते हैं ना जी देखो वन लेंगे तो क्या इमेज बनेगा वन बनेगा वन बन गया टू लेंगे तो क्या इमेज बनेगा थ्री लेंगे तो वन सबका वन बन गया ना वन सर ये सब जो है आपको क्योंकि आप एक्स का मान जो है जीरो छोटा लो माइनस वन ले लिए तो क्या इमेज बनेगा जी सर माइनस वन एन बनेगा जी सर करेंगे तो अगर जीरो ले लेंगे तो जीरो बनेगा जीरो ले लेंगे तो वो क्या बनेगा जीरो बनेगा लेकिन उसके बाद जो है आपको माइनस वन जीरो वन को छोड़ करके क्या यही तो रियल नंबर होता है नहीं होता है माइनस दो रहेगा माइनस तीन रहेगा माइनस पांच रहेगा दो चार पांच छह ये सब जो है ये किसी भी एलिमेंट का इमेज होगा नहीं होगा किसी भी एलिमेंट का इमेज होगा नहीं होगा जैसे माइनस दो कोडोमेन में होगा कि नहीं होगा जी सर होगा माइनस दो कोडोमेन में होगा कि नहीं होगा क्यों होगा क्योंकि रियल नंबर है यस सर माइनस दो किसी भी एलिमेंट का इमेज बनेगा नहीं बनेगा माइनस इमेज नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर स्पेशल रूप से नहीं दे दिया एक जीरो माइनस एक जी सर यही तीन को संख्या नहीं इमेज बनेगा जी सर यही तीन को संख्या नहीं इमेज बनेगा यस सर लेकिन माइनस दो रहेगा इमेज बनेगा नो सर इसलिए ये वन टू फंक्शन हुआ नहीं हुआ लिख दो जैसे माइनस दो जो है ये किसका है आर का सदस्य है तो किसी भी एक्स के लिए एफ एक्स का मान माइनस दो होगा नहीं होगा एफ इज नॉट नॉट वन टू फंक्शन वन टू फंक्शन है क्वेश्चन नंबर तो छो में सवाल है कॉड आई की मान लीजिए कि ए बराबर एक दो तीन दो सेट है आपको तो सेट ए में एक दो तीन एलिमेंट है और बी में क्या है चार पांच छह सात है बी में क्या है चार पांच छह सात है छह सात और आपको फंक्शन दिया है एक चार दो पांच तीन छह तो ए से बी तक एक फलन है सिद्ध कीजिए कि एफ एक की है एफ क्या है एक एक यानी वन वन फंक्शन तो देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है तीन एलिमेंट है एक दो तीन बी में कितने एलिमेंट चार पांच छह सात चार पांच छह सात छह सात हो गया ना जी सर अब फलन में देखो फलन में क्या सब पेयर है वन फोर ये किसके साथ रिलेटेड चार से उसके बाद दो पांच तीन छह तीन छह हो गया ना तो ऐसे इनका सॉल्यूशन करेगा सिद्ध करना है ना सॉल्यूशन लिख दो ज्योमेट्री नहीं है कि प्रूफ लिखना ही पड़ेगा कोई बात नहीं है इसमें सॉल्यूशन लिखना है ऐसे हम लिख दिए दो को सेट बना लिए ना अब देखो सेट ए में एक दो तीन एलिमेंट है जी सर इसमें चार पांच छह सात सात हो गया ना जी सर
तो देखो एक का इमेज क्या है, चार है, चार है। दो का इमेज क्या है, पांच है, तीन का इमेज क्या है, छह है, छह है ना। चलिए ये हो चुका है, यस सर। तो जी हो तो गया, अब ये कौन फंक्शन हुआ, वन 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 टू फंक्शन होगा, नो सर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट बच गया है, बच गया ना, यस सर। ये नहीं सिद्ध करना था, हो गया। या फिर एफ ही वन 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 फंक्शन सिद्ध कीजिए कि एफ एक की है, प्रूफ हो गया ना, जी सर। कितना ये सवाल था, और लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, तुम्हारा मन है कि हम और लिख दे, यस सर। तुम यही लिख देना कि ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का, ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, इसलिए आप क्या है, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन।